नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आपको देखने को यहाँ पर मिल रही होगी, UP SSC जूनियर इंजीनियरिंग JEE सिविल रिक्वायरमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 4016 पोस्ट आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी आपके लिए। अगर आप जो है डिप्लोमा से आपने जूनियर इंजीनियरिंग कर रखी है सिविल से, तो आप सभी के लिए 4016 पोस्ट निकली हुई है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन इसका पूरा है, और उसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर अप्लीकेशन फ़ी जितनी है 25 रुपीज़, ओनली 25 रुपीज़ में आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और आप देख सकते हैं अप्लीकेशन बिंग डेट है आपकी 7/5/2024, तो इसका मतलब ये कि आज ही ये आपके लिए निकली हुई पोस्ट है। और अगर आप इच्छुक अभ्यर्थी हैं तो इसको ज़रूर से आप फिलअप कीजिएगा। और आप नीचे आपके देखेंगे तो मिनिमम एज जो है आपकी है 18 से 21 साल और मैक्सिमम एज जो है आपकी 40 साल है। आप थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे जूनियर इंजीनियरिंग JEE सिविल की पोस्ट जो है 4016 है। UP SSC PET 2023 स्कोर कार्ड, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन इंडिया, मोर डिटेल रीड द नोटिफिकेशन। अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए आप नीचे जाके इसमें से आप जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल के जो है 1522 पोस्ट निकली हुई हैं, EWS के लिए 315, 1362, OBC के लिए 779, SC के लिए 38, ST के लिए टोटल आपकी होगी 4016 पोस्ट। और आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर फिल कैसे करना है आपको ये फॉर्म ये भी बताया गया है। देयर आर टू टाइप टू अप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर UP SSC जूनियर इंजीनियरिंग सिविल रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है ये है आपका। और आप देख सकते हैं फर्स्ट इन दिस द कैंडिडेट विल हैव टू लॉग इन विद ए पर्सनल इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन दैट हैज़ टू बी गिवन इन PET रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल एंड कैटेगरी। आपको ये चीज़ फर्स्ट में भरनी है। सेकंड में जो है आपको इन दिस द कैंडिडेट विल हैव टू लॉग इन थ्रू हिज OTP, द इंफॉर्मेशन दैट हैज़ टू बी गिवन एज UP SSC PET 2023 रजिस्ट्रेशन नंबर एंड OTP पासवर्ड। आपको जो OTP पासवर्ड के थ्रू आपको इसको लॉग इन करना होगा। उसके बाद लॉग इन करेंगे, द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट इज फोटो सिग्नेचर ऑल्सो विजिबल। द कैंडिडेट विल हैव टू फिल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पोस्ट ही इज आस्किंग फॉर एंड द अप्लीकेशन फी 25 रुपीज़ विल हैव टू बी पेड। काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल। आप सभी को ये चीज़ भरनी है। उसके बाद से काइंडली रीड स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट फॉर्म, फोटो, साइन, ID प्रूफ एक्सेट्रा। आपको ये चीज़ भरनी पड़ेंगी, फ़ोटो, साइन, ID और ID प्रूफ आपको देना पड़ेगा, जिसको आपको स्कैन करके अपलोड करनी है। एकदम क्लियर होनी चाहिए आपकी फ़ोटोज़, साइन, ID प्रूफ। बिफोर अप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट अप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली। एक बार आप जब भर लेते हैं उसके बाद से एक बार इसको पूरे से अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि उसके बाद से मेरे ख्याल से एडिट नहीं कर पाएंगे आप। एक बार में जो आपने भर दिया तो भर दिया, उसके बाद से आप इसका एक प्रिंटआउट अपने पास रख लें, सबमिशन का एक प्रिंटआउट रख लें। यहाँ से आप जो है अप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए लिंक पर क्लिक करेंगे आप, और डाउनलोड नोटिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर करेंगे। मैं आपको जो है ये वाला लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, और आपको कैसे अप्लाई करना है बाकी मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ से सीधे अप्लाई पर क्लिक करके सीधे आप इसको भर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अभी सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए फॉर्म भर के भी आपको जो है दिखाऊंगा। अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर से वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।